जंगल में जब आग लगती है किसी किसी घोर जंगल में, हम लोगों ने देखा है, तो कई किलोमीटर में आग लगती है। हमने अमेरिका में देखा था विमान से, कई किलोमीटर में आग धधक रही है, जल रही है, हरे हरे वृक्ष जल रहे थे, पता नहीं कैसे वो आग लगा। फ्लोरिडा में मैं देखा था आग लगी थी, और लोग बताते हैं कि कई दिनों से आग ये बुझ नहीं रहे, कौन उतना प्रबंध करे जंगल की आग बुझाने का, बाल्टी बाल्टी पानी ढोने से वो आग बुझने वाली है, कोई उपाय नहीं होता है। और वैसे जंगल की आग में कोई व्यक्ति फंस जाए, कोई जीव, तो मरेगा ही छटपटा करके। परंतु इस भाव महादवाग्नि को भी भगवान का नाम बुझा देता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इसमें भाव क्या है, दवाग्नि क्या है, जन्म मरण, भूख प्यास, अपमान, सर्दी गर्मी, इस जो अनुभव हो रहा है दुख, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना, फिर मरना, फिर दूसरा शरीर, सारे स्वजन छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, देह छूट जाता है, जीव हमेशा चिंता में रहता है, यही है महादावाग्नि। ये तो बुझने वाली है ही नहीं। यदि कृष्ण का कीर्तन नहीं किए, कृष्ण की शरण नहीं लिए, तो ये जन्मना मरना रुकेगा नहीं। इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और पता नहीं किस जोनी में जाएंगे, वृक्ष की जोनी में, या कीट पतंग मछली की जोनी, या पशु की जोनी, या मनुष्य की जोनी भी। तो जो भी है, जन्म लेना एक दुख है, ये दवाग्नि है। तो इस दवाग्नि से बचने के लिए एक ही उपाय है इस युग में, ऐसा शास्त्र कहता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यत। हरि का नाम ही, हरि का नाम, हरि का नाम ही इस कलयुग में दुखों से बचने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं ही है, तीन बार कहा गया। किसी बात को पक्का साबित करने के लिए तीन बार कहा जाता है, शास्त्र तीन बार कह रहा, एक ही गति है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, नाम एव केवलम, एव के बाद और भी लगाया जा रहा है केवलम। जब एव शब्द लगा दिया गया कि हरि का नाम ही गति है, तब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शंका कर सकते हैं, कोई और भी साधन तो होगा ही, कोई और तो साधन होगा। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको दोहराते हुए कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म नारदीय पुराण का वाक्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत जोर देकर के कहते हैं, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और किसी का नाम नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम कोई ले रहा है, राम नाम ले रहा है, तो कोई कहे कि नहीं किसी और का भी नाम जपा जा सकता है। ठीक है, कोई जप सकता है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं, तो अपनी इच्छा है, कोई जपे जो भी जपना हो, कोई हरि नाम कहता है तो कोई उधर बाबा नाम, बीबी नाम, केवल चालू करता, ये सब पागलों का काम है। वास्तव में यह सब है श्रद्धाहीन दूषित लोगों का एक परिणाम, उनका विचार है इस प्रकार का, ये नाम वो नाम, ये नाम वो नाम, कोई नाम नहीं, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि का नाम एक गति है, पॉजिटिव वाक्य है। कोई कुछ भी सोचता है, कुछ तो गति होगी, ज्ञान योग आदि भी उपाय हैं, इसलिए तीन बार निषेध किया गया, ज्ञान कर्म और योग तीनों का निषेध करते हुए कहा गया, नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यत, न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति, नहीं है, कोई उपाय नहीं है, एव तीनों में लगा रहे हैं अवग्रह, एव नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है, कोई गति नहीं है, एकमात्र उपाय है भगवान का नाम,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम